अस्सलाम वालेकुम, जागो ग्राहक जागो। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मुझे ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? देखिए नवाब लोग सो रहे हैं। अच्छा है, इन लोग कहाँ कहीं भी सो जाते हो, मेरे को सोने के लिए जगह ही नहीं। देखो क्या करेंगे हम गरीब लोग, कहाँ पहुँचे हम अभी कुछ पता नहीं है। बैठी हूँ मैं, उठ के बैठी हूँ, इधर लोग सो रहे हैं मस्त अपना। ठीक है फिर मिलते हैं बाद। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, वेलकम हो गया आप लोगों का मुद्दा ब्लॉग में। तो हम लोग की सुबह हो चुकी है, सब लोग तो पहले से ही उठ चुके हैं और हम लोग पहुंच गए हैं मलाड़ में। ये देखिए, और अभी हम लोग रिक्शा में हैं और जा रहे हैं घर पे। सब लोग कैसा लग रहा है मुंबई आके? बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 महीने के बाद देख रही हूँ मेरा मुंबई। 1.5 महीना कहाँ हुआ? 4-12 तारीख। हाँ, 1.5 महीने के बाद मुंबई देख रहे हैं, तो चलिए देखते रहो। सोची तो 6 महीना नहीं जाऊँगी, ब्रेक लेके जाऊँगी, पर ऐसा हुआ कि जाना ही पड़ा। और ये देखिए महात को कैसा उंगली चूस रहा है बच्चा, ये गंदोड़ा बहुत गंदा लड़का हो गया है, बहुत उंगली चूसने लगा है। अभी सब डांटेंगे महात तुमको उंगली चूस रहे तो। अभी जाके इसकी मालिश करने का है मेरे बेटे की, और फ्रेश होने का है हम लोग को भी। हाँ मुझे भी फ्रेश। तो आशीर्वाद अभी अभी घर पे रहेंगे, अब्बा करते रहेंगे, अब्बा का रिएक्शन देखते कैसा होता है। मेरी सुनना, आशीर्वाद भाभी का यहाँ पे भाई लोग भाभी लोग को पता चल जाएगा मैं आगे चलेगा। यहाँ से भाई के पास जब दवा खाना जाऊँगी ना, वो देखने का है वो मैंने। चलिए फिर चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए 1 नंबर और रास्ता भी एकदम गरीब है, जा रहे हैं घर पे। क्या बोलते शबनम? हाँ देखते देखते हैं तो क्या रिएक्शन देता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं, मैंने अभी भाभी को फ़ोन की थी तो उन्होंने बोले मैं घर पे ही हूँ। तो देखो अभी हम लोग जा रहे हैं, रिएक्शन देखते हैं। हम लोग अजूब जिम के पास है, घर के बाहर नहीं, जिम के पास ही खड़े। ठीक है फिर देखते हैं क्या होता है, चलिए देखते हैं। हाँ तो ये देखिए हम लोग जा रहे हैं घर पे और भाई का घर भी आ गया है। देखते रिएक्शन, देखते रिएक्शन। दरवाजा भी खुल रहा है। बड़ा बना है भाभी को। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए यहाँ पे अब्बा आने वाले हैं शबनम के, तो देखते हैं क्या रिएक्शन रहता है उनका। अचानक से आ रहे अभी घर में, उनको पता नहीं है कि हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। देखते हैं, देखो महाद और शबनम दरवाजे के पीछे खड़े हैं। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, भाभी भाई पीछे देखो, पीछे पीछे तू देखो। अरे ये कहाँ से आज सुबह ही आया था अब भी उठे क्या? और क्या हाल है भाई? कल तो सिर्फ बोल रहे आएंगे आएंगे आएंगे, इसीलिए बोल रहे नाश्ता करने आओ यहाँ पे। मद्दू मामा है मद्दू के। तो ये हम लोग का कड़क पाव
और चाय आ चुकी है और कड़क पाव खा के तो मेरा तबीयत हरी हो जाती है हमारी बात। कड़क पाव खा के और ये हमारे बेटे छोटू बादशाह, क्या बोलेंगे छोटू बादशाह, कैसा लगा भाई देख के? सुबह सुबह नींद खुल गई ना, आँख दुख रही है। शबनम, शबनम का बचपन की यादें है भाई ये कड़क पाव और ये। बचपन से खाना खाती हूँ, जब से औरंगाबाद गए वहाँ पे पता नहीं लोग पाव क्यों नहीं बनवाते। अबे वहाँ पे पाव बैंड है, बिना ये लगाए नहीं भर सकते। नरम पाव भी तो नहीं मिलता, नरम का नहीं मिलता। भाभी तुमको कैसा लगा सुबह सुबह मात को देख के? अभी यहाँ पे शफीक भाई का नाश्ता है और नाश्ता लेके हम लोग जाएंगे भाभी, मैं और शबनम। देखते शफीक भाई का रिएक्शन, देखते क्या होता है। और उमेर भी आएगा, उमेर के दांत टूट गए क्या मालूम कैसे। अरे जी ये ऐसा बोल रहे उमेर के दांत टूट गए जैसे कि ये सीधा बड़ा ही चोर। कैसे इनके दांत ही नहीं टूटे, इनके दांत गिरे उमेर के आगे से। अरे सॉरी, इन दो मालूम ही नहीं, बचपन के दांत टूटे उसके, अभी अभी दूध के दांत। नींद में अभी भी क्योंकि इनके दांत नहीं है ना बराबर। कैसा बोले जी, क्या मालूम कैसे दांत टूटे? अपन को बचपन में नहीं बोलते थे क्या? मेरा गाल दुख रहा है यार। तो अपन बोलते नहीं थे क्या, दांत तकिए के नीचे रखो पैसा बन जाएगा, पर निकाल के देखो तो दांत ही मिलता था, पैसा कहाँ मिलता था। हमारी फीलिंग के साथ खेला जाता था, खेला जाता था। इसने दांत संभाल के रखा है, बोले परी आएगी दांत लेगी मुंह पर चाटा मारेगी। तो देखो रेडी हो चुके हैं मामा के पास जाने के लिए, दवा खाने का कपड़ा पहना है महान ने। और अब्बा का रिएक्शन देखे थे कैसा हो गया था। आशी भाभी अरे शब्बो, पटाख से गले लगा लिए भाभी ने मेरे को। और अब्बा अब्बा शौक हो गए। चलो मधु अभी देखते हैं मामा क्या करते। तो चलिए अभी हम लोग जाते हैं भाई के पास, देखते क्या होता है। भाभी पानी भर रहे थे बेचारे। चलो यार मैं आई तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। पक्का तू मेरे को देख के खुश हुआ? मेरे को देख के खुश हुआ कि महत को देख के खुश हुआ? तीनों, तीनों को देख के। सबसे पहले अपने फूफा की गले लगाया बाबा, ये तो मेरे लगा भी नहीं है ना। लगा ना तो फूफा है उसके। फूफा से गले लगा, फूफा की गोदी में बैठा ना। मेरे राजा है, देखो मेरे राजा को, मेरे राजा। तो भाभी गए भाई के लिए टी शर्ट लेने, एक हम लोग यहाँ खड़े हैं। हम लोग बहुत चुके हैं हॉस्पिटल, ये देखिए यहाँ पर भाई एडमिट है और हम लोग जा रहे हैं अभी ऊपर। तो चलिए फिर चलते हैं ऊपर। तो चलिए सतीक भाई का रिएक्शन देखते हैं, जा रहे हम लोग अंदर सतीक भाई का रिएक्शन देख रहे। अभी 12:30 बजे बच्चों को फिर से ड्यूटी करना। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखो मामू भांजे को भाई की दाढ़ी चुप रही, बात को दाढ़ी चुप रही तुमको बोलो। नखरे आ गए इसको। अब जा रहे तो बराबर हंस रहा है। अरे बाप रे, चलो गप पे आ जाओ, बोल मामा आ जाओ गप पे आ जाओ। अरे अल्लाह, हम लोग भाई से मिल के आ गए और अभी हम लोग जा रहे हैं घर पे। देखो मधु को भाभी ने लिए, मधु मामी के पास खेल रहे।
और ये देखो महाज को इतनी खुशी हो गई मामा मामी के घर पे आने की। ये देखो कैसा खेल रहा है माशाल्लाह, टीवी देख रहा है, खिलौना खेल रहा है। मामा से मिले मधु मामा से मिले, कैसा लगा बाबू? अच्छा लगा। हाँ खेलू खेलू करे मामा ने तुम्हारे साथ, बाद में निकलने के टाइम पे उठे। और अभी देखिए कैसा टीवी देख रहा है। तुम आ गए देखो नानू के पास खेल रहा है। आ गए मिलने नानू से? अरे बाप रे मैं तो आने वाला था एक हफ्ते के बाद। मैं नानू तुम आते ही रहते। मैं बोला इन लोगों के साथ जाने वाला था मैं, तो ये लोग का बीमार हो गए कैसा जाएंगे। अच्छा अभी देखो कपड़ा कौन सा पहना था, अभी कौन सा पहन लिया। सुनो 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 हीरो है बाप, हीरो का हो मेरे बाबू को से बात करो। अबू अबू मारो ना तुम नाना से मोबाइल। तो हम लोग का खाना पीना हो चुका है, मैं भी जा रही हूँ मार्केट, छोटे चले जाए यहाँ से, इसके बहुत हंसी आ रही मेरे को। तो अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा 5 नंबर, क्योंकि यहाँ पे ना वाइप्स, मेरे भाई की दोस्त की दुकान है वहाँ पे, वाइप्स ने यहाँ पे सस्ते मिलते हैं। दोस्त है वो समीर, तो मैं वहाँ से वाइप्स, इसका दोस्त है इसका मतलब फ्री में तो नहीं देगा वो मेरे को, पैसा तो कम। हाँ तो बस बात खत्म। तो वाइप्स लेने जाने का है और देखूंगी मैं आपके लिए एक दो कपड़े लेने का है, क्योंकि इसके सब ना पैंट वगैरह सब टाइट हो रही है, तो एक दो ट्रैक एक दो टी शर्ट बस वो ले लूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर में अच्छा मिलता है, औरंगाबाद में इतना मेरे को मालूम नहीं है वहाँ का, इसलिए मैं जाती नहीं, बहुत दूर है वहाँ की मार्केट। तो इसलिए चलो जी फिर कैसा हो नहीं पाएगा लेना, अभी आए हैं तो मौके पे चौका। अभी भाई अच्छा है ठीक है, दवा खाने में है अभी, उसको बहुत आराम है, हम लोग मिल के आए हैं। अभी भाभी गए हैं उसके पास, देखते डॉक्टर लोग डिस्चार्ज देंगे तो आएगा, नहीं तो फिर देखते। वो तो बोल रहे मेरे को डिस्चार्ज दो, उसको तो बोल रहा है महाद आ गया, अब मेरे को अब्बी के अब्बी घर पे जाना ही करके, तो अभी देखते है क्या होता है। चलो मिलते 5 नंबर में। हम लोग जा रहे थे 5 नंबर और जाते जाते देखो यहाँ पे मेरी गाड़ी के पास रुके, और गाड़ी की हालत देखिए कितनी गंभीर है, बाप रे बाप, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर इतने महीने से खड़ी है, 2 महीना हो गया। और ये देखो बिल्लियों ने और बिल्ली लोग ने भी देखो पूरा खा लिए सीट कवर मेरा। ये गाड़ी की तो क्रिटिकल कंडीशन देख के देख सकते हैं आप, ये गाड़ी की कंडीशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग जा रहे थे तो शबनम ने भाई को देखो देख के बोले क्या कौन से टाइप के मौलाना, देखो हिप हॉप वाली टोपी है और कुर्ता है पैजामा है। मौलाना नहीं है सबसे पहली बात तो, उसका लुक उसको अच्छा लगता है। नहीं वो तो है भाई, एकदम रावस वाले मौलाना है, एकदम मस्त दीन दुनिया के हिसाब से दोनों से चलते हैं। तो मेरे को सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे आई, ये मात को भी लेके चल रहे, सबसे ज्यादा हंसी इस बात पे इनकी चप्पल, इनकी चप्पल जो दादा ससुर है ना वो भी सच्ची चप्पल पहनते हैं। अरे वो काम की चप्पल है उनकी, बट ऐसा हुआ ना कि मतलब वो अभी जाते थे पहन के जा रहे, बोले कहाँ भी जूता इतना सैंडल पहनो, इसलिए तो मैं 5 नंबर आ रहा तुम लोग के साथ में, सबने चप्पल ही लाएगी। तो मेरे को सबसे ज्यादा ये चीज पे हंसी आई कि शबनम बोलते बोले क्या मेरे दादा ससुर बोले तेरे से अच्छी चप्पल पहनते, मतलब स्टाइलिश पहनते इतने बुड्ढे होने के बाद भी बुड्ढे ऐसे नहीं रहते, ये तो बिना बुड्ढे हुए। और ये देखो 12,500 सब्सक्राइबर इनके यूट्यूबर है, ये देखो ओ माय गॉड। देखो महाज ने यहाँ पे भाई की आंख पे उल्टी कर दिया था, ये बार बार शबनम को बोल रहे पोछ पोछ पोछ, शबनम तो देखो पूरे यहाँ कर दिखाओ जरा जरा दिखाओ जरा इसका मुंह उठाओ जरा ऊपर देखो इसका उठा इसको ऊपर देखो इसके गाल की हालत देखो गोरा है वो धूप लगने से हुआ है अच्छे का गाल देखो अल्लाह धूप लगने से हुआ है वो। तो हम लोग आए थे 5 नंबर मार्केट और यहाँ पे शबनम को एक सब्सक्राइबर मिले थे, बोले कि हम आप तुम लोग ब्लॉग बनाते ना तो हम लोग आपकी वीडियो देखते, तो देखिए शबनम को ओहो फुल एटीट्यूड में चल रही है, फ्लो में चल रही है, क्या बात है क्या बात है। तो हम लोग आ गए 5 नंबर मार्केट, तो ये देखिए महात के लिए यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ट्रैक माँ के लिए ट्रैक पसंद कर रहे हैं। और ये देखिए मधु यासिन भाई के पास है, मधु किसी को संभालने के लिए तो लेकर आई है। अरे नहीं नहीं भाई तो ये देखिए ओ माय गॉड एक से कलर निकाल रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ एक बार बोल दिया ना बस हो गया। ओहो सगा भाई ऐसा बोल रही है जैसे कि क्या बात है मस्त यार, अच्छी गंदा लग रहा है यार, चुप यार तू साथ में रहने का काम कर, सीख चल।
दे शबनम। अरे छोटा पड़ेगा, मस्त लग रहा है अभी, एकदम पासे सही रहने तक आएगा उसको। अभी तो अभी से पहनाएगी क्या? ये देखिए शबनम ने ले लिए मां के लिए, घर पे जाके बताएंगे। हाँ मस्त दिख रहा है माशाल्लाह। तो ये क्या है, कॉटन कैंडी? तो ये देखो यहाँ से कॉटन कैंडी कौन सा ले रहे हैं? हाँ लो, ये तो मल्टी कलर ले लो, कुछ भी ले लो, खा के पेट में ही डालने का। मैंने उसको एक गिरा दी, गिर गया। तो हम लोग दूसरी दुकान पे रुके थे और लेने के लिए। अभी तू मेरे हाथ पे क्यों रख रही पागल, अंकल सक करेंगे। हाँ ये भी थोड़ा सही लग रहा है, अभी मेरे हाथ पे रखे जा रही है। भाई उधर पे भाई खड़े भर देंगे अपने को, बोलेंगे देखो थैली में दंत डाल रहे। हाँ ये इतना खास नहीं लग रहा है। दूसरा देख पलटी मार। हम लोग ने मार के लिए ट्रैक और टी शर्ट ले लिए हैं, और मार बाबा को भी भूख लग गई थी तो हम लोग बैठे हैं रिक्शा में। ये देखिए बाबा, माँ का दर्जा इसके लिए बोलते इतना बड़ा होता है कि कितना भी तकलीफ में रहेगा बच्चा, या माँ बाप कितना भी तकलीफ में रहेंगे तो बच्चे का पहले करते हैं। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करे है क्या नहीं शबनम? क्योंकि कदर उनसे जानो जिनके माँ बाप नहीं है, तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करें। मतलब कितना तकलीफों से मुशक्कतों से मतलब अपने को बड़ा करते हैं। खाली बताने का मकसद यही है कि अपनी पुरानी यादें जो है वो ताज़ा हो जाए। तो चलिए हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे, देखते हैं कहाँ जाते हैं। देखिए शबनम ले रहे लिपस्टिक, क्या ले रहे सबो? दो लिपस्टिक लिए। रेगुलर लगाती हूँ ना, वो ख़त्म हो गई थी और फाइनली वही कलर मिल गई। चलो अच्छी बात है, लो फिर जल्दी। तो ये देखिए इन्होंने लिपस्टिक और बक्कल ले लिए, काटे बक्कल। मेरे ना बक्कल टूट गए थे, हाँ मैंने भाभी का लगाई अभी। ये सीधा बैठना यार, तो चलिए फिर जल्दी, तो चलिए फ्रेंड। तो ये वाला शबनम को कलर पसंद आया, देखिए ये वाला ले रही है। अभी तो ये वाला लेना, अरे तो बहुत बड़ा है ये। अच्छा तो वही ले ले फिर, वही ले ले, वही अच्छा दिख रहा है। हाँ ले 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 ले। चलो फाइनल इतना घूमने के बाद इसने ले लिए और उससे भी कम करवा दी थी। हाँ तो देखो अबे फोकट देखो कितना घुमा रही फ्रेंड्स, देखिए अभी ये देख रही है नहीं चाहिए, ये सिर्फ घुमाने लेकर आई है मेरे को। मुसद्दिक भाई देखो अपने अपनी दुनिया में घूम रहे हो, क्या हुआ? थूक दो कितना निकाल। तो शबनम जा रही है देखो 20 रुपए वाले सेल में हमला बोलने के लिए, अंदर पब्लिक देखो कितनी सारी पूरी जमा हुआ है। अबे कहाँ चले गए, घूम हो गई? अच्छा ये इधर ही खड़ी है क्या? इधर ही खड़ी है। अरे पहली चीज ले भी ली इसने, मेरे को लेके मत जा रहे। अरे जा मैं नहीं आऊँगा, अरे ले मोबाइल पकड़, जा लेके जा। उन लोग दोनों चले गए अंदर, मेरे को तो बहुत डर लग रहा था, ऐसे ऐसे मैं गया नहीं। ये देखिए शबनम ने इतने सारे सामान जमा करके लेकर, अरे और जा रही है क्या? बहुत खर्चा है भाई, बहुत खर्चा है, हाथ छोड़ना नहीं पड़ेगा, रस्सी बांधना पड़ेगा इसको, देखो मटलेगा। तो फाइनली वहाँ से लुटवाने के बाद मुसद्दिक भाई को अभी यहाँ पर आ गए लूटने के लिए। तो हाँ स्टॉल भी चाहिए ना, कौन सा ले लूँ जी स्टॉल का? तो यहाँ पे देखिए दुपट्टा लेने के लिए, ये और ये दो अच्छे लग रहे हैं, मेरे को तो कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं जी ये चलो फिर भी ठीक है, और देखिए तो अभी यहाँ पे बार्गेनिंग हो रही है। महत बाबू को नींद आ रही है, तो ये सामान ले लिए, हो गया तो गाइस देखिए ये सब मेरे को पकड़ा था लिए काली ने। सब तो आप ही चलो 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 ले रहे छोटे जल्दी भाई, एक मिनट ये जवान क्या बोलते हैं इसको, जवान एप्पल जूस। इसको देखो हंस दिया। तो अभी हम लोग जा रहे घर पे, मैंने महात के लिए 3-4 जोड़ी अच्छे कपड़े खरीद ली, वो मैंने पाँच खरीदी। तो ठीक है घर पे आके मिलते हैं। हम लोग 5 नंबर से घर पे आ चुके हैं, और देखो भाई मेरे को बोले क्या मतलब तुम लोग आओ मत बोले, हम लोग 5 मिनट में आ रहे बोले रिचार्ज लेके। देखो छोटे थे कैसा यहाँ पे आके खेल रहे भांजे से। अब्बू अब्बू बात कर रहा है मेरे बेटे, अब्बू छोटे थे ना, कितने छोटे थे ना, जा रही रात में लात मारो तेरे मुंह पे चढ़ जाऊंगा। तेरे मुंह पे चढ़ जाऊंगा, देखो इसको देखो कैसा मामू से मिल के देखो ना।
देखो मामू को लेके देखो कैसा कर रहा है, मधु मामू को लेके कैसा कर रहा है। हाँ मामा को देख के खुश हो गए। हाँ मामा घर पे आ गए, अल्लाह का शुक्र है। हाँ अरे वाह, अरे वाह, अल्लाह का शुक्र है मामा आ गए घर पे। हाँ क्या कर रहा है, मामा से शिकायत कर रहा है ये टकले। क्या हुआ माँ, पापा किसकी शिकायत कर रहे? अल्लाह देखो कैसा तकलीफ दे रहा भाई को। महत महत बेटी मम्मी 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 घर पे नहीं जा पाया किसी वजह से, मैं जाके वापस आ गया। बहुत जन को फोन भी किया लेकिन गाड़ी नहीं मिली तो मैं घर पे वापस आ गया। देखो यहाँ पे आतिफ आया है, नित्रा बेटा देखो। हाँ यहाँ पे भाभी बैठे और यहाँ पे देखो वसीम भाई बैठे। क्या बोलते वसीम भाई? वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ। और हमारा पापा देखो, अरे वाह हीरो दिख रहा भाई, कलर करा क्या है। कौन सा ब्लॉग बोल, कौन सा ब्लॉग? वेलकम मुशा ब्लॉग। चलो तूने बाल गोल्डन किया, बाल करा करा है भाई उसने। और ये देखो महत को, महत हे महत, मधु मधु हे महत। ये देखो कैसे अपने मामा को देख रहे हैं। देखो ये देखो तो ये देखिए आमिर भाई भी घर पे आ चुके हैं और महत को लिए, महत खेल रहे हैं। मधु कैसा बात कर रहा है देखो महत। महत बात कर रहा है मामा से। अब कैमरा देख लेना, अब कुछ नहीं बोलेगा। अब्बू मधु बोलो, अब्बू अब्बा क्या बोले बोला मामा। अरे वाह, अरे वाह। तो हम लोग 5 नंबर की मार्केट से आ गए और भाई भी अभी घर पे आ गया डिस्चार्ज लेके। अभी माशाल्लाह आराम है उसको, बहुत अच्छा लगा उसको अच्छा देख के। महत के लिए वो जल्दी डिस्चार्ज लेके आ गया, मालूम आप लोगों को। बोले महत आ गया, बोले अभी घर पे अब मैं नहीं रुकूंगा बोले ज़्यादा। हाँ तो मैं जा रहा हूँ घर पे। उसने डिस्चार्ज भी ले लिया और ये जा रही, और मैं परसों जाऊंगी। कल का एक दिन भाई बोला रुक जा, मैं भी साथ में ही जा रही थी पर भाई बोला नहीं थी जल्दी मत जा, मैं अभी दवा खाने से आया बोलते, तो मैं परसों जाऊंगी, है ना जी। हाँ, चलेगा ना आपको? हाँ, क्या करेंगे अभी, क्या है, रहना तो पड़ेगा। ये क्या नहीं, सिर्फ एक दिन चलेगा। परसों मैं आपके पास रहूँगी। तो मैं फिर चले जाऊंगा अभी, और मैं कैसा ना मतलब रुक ही नहीं सकता कोई भी हालत में। मैं आया था खाली भाई से मिलने, तो अब मिल लिए, हो गया, अच्छा लगा उनको, अल्लाह ने शिफा दे दिया। आप लोगों की दुआ भी थी तो अल्लाह ने उनको, और वो भी बोले कि मतलब मैं जल्दी अब चले जाऊंगा क्योंकि महत शबनम आ गए घर पर, इनमें बहुत जान उनकी लगी हुई रहती है, तो वजह से वो भी आ गए घर पर डिस्चार्ज लेके। और मैं भी अब जा रहा हूँ, और मैं भी मेरे मकसद में कामयाब रहा क्योंकि शबनम कल बहुत रो रहे थे और मैं बोला नहीं अब कुछ भी हो जाएगा मैं लेके तो जाऊँगा। तो कल हम लोग निकल गए अल्लाह का नाम लेके, और आज मैं वापस जा रहा हूँ। और यार जा रहे मैं 2 दिन के, मैं परसों अभी अभी इस वक्त हो रहे 7:30 और बस 8:30 बजे तक लास्ट रहती है यहाँ से, और मुझे जाने में भी आधा पौना घंटा लगेगा आराम से। तो मैं निकल रहा हूँ इसके लिए, और अब देखते हैं यहाँ से एक दिन का कितना, 1-2 दिन का फासला
एक दिन का फासला है, पर दो दिन देखते हैं यहाँ पे कैसे करते हैं। शबनम तो खैर रह लेंगे, है क्या नहीं शब्बो? आप भी रह लेंगे, मैं परसों आपके पास रहूँगी। ठीक है चलो, बस कल का एक दिन। और हम लोग फर्स्ट टाइम अलग हो रहे एक दूसरे से, ऐसा कभी हुआ नहीं है। पर देखो कैसा है मालूम है, कभी कभी कुछ चीज़ों को देखते हुए मतलब कुछ चीज़ें अवॉइड करना पड़ता है। तो चलिए फिर, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं है जाने का, पर मजबूरी है, जाना तो जरूरी है इनको भेजने का। हाँ तो चलो कोई नहीं, मैं आ जाएंगे दो दिन में मेरे पास ये भी, तो चलो दो दिन की बस बात है ना शबनम। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और भाई को हम लोग ने सरप्राइज़ दिए थे तो कैसा लगा था कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में याद रखना, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर, हमारे वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।